आज की डेट में कपिल शर्मा शो तो सभी देखते हैं और सब लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं और ये पूरे इंडिया का नंबर वन शो है और इनकी कास्ट स्टार की सैलरी तो पूछो ही मत। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चंदन प्रभाकर 5 लाख रुपए लेता है एक शो का और 5 मिनट आता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये शो इतना पैसे कैसे कमाता है? तो आज यही बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल और टीवी शो काम कैसे करते हैं। रिसीवर डिश जो कि सिग्नल रिसीव करता है आसमान में जो सैटेलाइट है वहाँ से, और वो सैटेलाइट में सिग्नल पहुँचाए जाते हैं जो जमीन में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है वहाँ से। तो इसी तरह से टीवी शो और डिश टीवी काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कपिल शर्मा जैसे शो पैसे कैसे कमाते हैं। तो जब भी कोई टीवी सीरियल या टीवी शो बनता है तो उसके सारे खर्चे जैसे कि स्टूडियो और शूटिंग के खर्चे और एक्टर की सैलरी के खर्चे, ये सब उस शो के प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर को देना पड़ता है। और गैस करो कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर कौन है? अपने सलमान खान। बॉलीवुड यानी सलमान भाई, बिग बॉस यानी सलमान भाई, और कपिल शर्मा शो यानी सलमान भाई। तो कपिल शर्मा, अर्चना जी और जो भी और को स्टार्स हैं उनकी कितनी सैलरी होगी ये सब सलमान भाई के हाथों में है। अब यहाँ पर शो के प्रोड्यूसर को और पैसे देने पड़ते हैं चैनल को यानी सोनी को, शो को चैनल में दिखाने के लिए। अब यहाँ पर बड़ा रोल खेलते हैं टीवी चैनल्स जैसे कि सोनी। तो टीवी चैनल का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्सेस होता है वो है एडवर्टीजमेंट करके। अब जैसे कि कपिल शर्मा शो 1.5 घंटे का शो होता है, इसमें से 30 मिनट के एड्स होते हैं। अब जो भी एक एड का रेट होता है वो डिपेंड करता है कि उस टीवी शो की टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट कैसे हैं। और कपिल शर्मा शो में जो भी एड्स दिखाई देते हैं सोनी उनसे 1-1 सेकंड का लाखों चार्ज करते हैं। और यहाँ पर चैनल के पास और जगहों से भी रिवेन्यू आता है जैसे कि इंटरनेट में शो को ऑनलाइन स्ट्रीम करने से, जैसे कि यूट्यूब या एमएक्स प्लेयर जैसे ऐप से। अब जो भी टोटल रिवेन्यू बनता है उसमें से कुछ परसेंट सोनी रख लेता है, कुछ प्रोड्यूसर को दे देता है, फिर प्रोड्यूसर कुछ अपने पास रखता है और कुछ परसेंट एक्टर जैसे कि कपिल शर्मा, अर्चना जी जैसे कास्ट को सैलरी देने में लगा देता है। शो में जो भी ब्रांड प्रमोशन होते हैं या स्पॉन्सर्स होते हैं उनका रेवेन्यू प्रोड्यूसर को ही जाता है। फिर जो भी सेलिब्रिटीज अपनी मूवीज का प्रमोशन करने आ रही होती हैं उनका पैसा भी प्रोड्यूसर को ही जाता है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सोनी के बहुत मजे हैं, उसका तो कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा। पर सोनी के बहुत सारे खर्चे होते हैं जैसे कि जिस डिश टीवी में वो अपना चैनल दिखा रहे हैं उनको पैसे देने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पैसे देने होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एक्सपेंस देने होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं इनके। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब जैसे कपिल शर्मा शो 1.5 घंटे का शो होता है जिसमें से 30 मिनट के एड्स होते हैं, तो मान लेते हैं सोनी 1 मिनट का एड दिखाने के लिए 10 लाख रुपए चार्ज करता है, तो 10 मिनट के हिसाब से हो गए 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए। अब इसमें से 60 लाख रुपए चैनल यानी सोनी रखता है और बाकी बचे 40 लाख प्रोड्यूसर रख लेता है। और फिर प्रोड्यूसर 20 लाख रुपए के आसपास कपिल शर्मा, अर्चना जी और जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं इनकी सैलरी देने में लगा देते हैं। और आपको बता दूं कि ये खाली एक शो का रिवेन्यू होता है इनका, अगर पूरे महीने की बात करें तो वो करोड़ों का गेम जाता है। और फिर प्रोड्यूसर 5 लाख लाइटिंग और स्टूडियो में लगा देते हैं, तो कुल मिला के प्रोड्यूसर की जेब में 15 लाख तक जाता है। फिर सोनी नेटवर्क ये शो और भी जगह दिखाते हैं जैसे कि एमएस प्लेयर और यूट्यूब जैसे ऐप में, तो यहाँ से इनकी अलग से इनकम होती है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।